ठीक है, मैं हेलो बुगोर, स्वागत है आप लोगों की एक और शानदार सी वीडियो में। आज हम दोबारा से खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज एंड ये है उसका एपिसोड नंबर 2। तो पिछले वाले एपिसोड में हमने एक विलेज ढूंढ लिया था जो कि मेरे पीछे है, एंड इस वाले एपिसोड में हम करने वाले काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब तुम सोचते रह जाओगे क्या क्या करने वाले हैं हम। सो लेट्स बिगिन। तो यहाँ पर अपना विलेज है एंड वहाँ पर उस साइड अब मेरा एक एरिया जहाँ पर मैं स्पॉन हुआ था, एंड वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा एरिया है। तो मैं सोच रहा हूँ वहीं पर जाकर अपना एक घर बनाऊँ, लेकिन उससे पहले मुझे चाहिए एक आयरन का आर्मर, बिकॉज मैं बिना आर्मर के यहाँ पे ऐसे घूम नहीं सकता, मुझे कोई बंदा पकड़ के पेल देगा। ठीक है, क्या गुंडा बनेगा रे तू। सो आज मैं थोड़ा सा माइनिंग के लिए भी जाने वाला हूँ, आयरन की माइनिंग के लिए, जो कि थोड़ा हार्ड नहीं है, इजीली मेरे को। ओके, आयरन तो मुझे दिख रहा है मेरी आंखों के सामने, पर नहीं नहीं गलत बात, हम ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे अच्छे बच्चे। ठीक है चलो लेट्स गो। थोड़ा सा ना अपना सामान उठा लेते हैं अपने घर से। भाई मैंने किसी, अरे कहाँ गया, मैंने किसी एक विलेजर का हाउस रेंट पे लिया था, थोड़ा महंगा पड़ा था पर ठीक है, अच्छा था। ये रहा, इसका मेरे को रोज़ाना रेंट भरना पड़ता है, काफ़ी ज़्यादा महंगा चल रहा है भाई। यहाँ पे मैं अपना एक स्मोकर लगा लेता हूँ, इतनी तो जगह मेरे को दे ही देगा ये। हाँ भाई देख रहा है, भैया यहाँ पे रख दूँ, ठीक है अच्छा लग रहा है ना। तुम्हारी टॉर्च भी लगा देता हूँ, देखो बढ़िया है ना, बढ़िया है भाई। लेट्स गो, यहाँ पे फूड पका दे थोड़ा सा, एंड अपने पास कोबल स्टोन है, वुड है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ पे ये रख देते हैं, ये चीज़ें ना इधर रख देता हूँ मैं, बिकॉज इन्हें लेके जाने का आई डोंट थिंक कोई मतलब बनता है। स्टिक्स अपन लेके जा सकते हैं अपने साथ, काम आ जाएंगी। फूड अपना रेडी हो रहा है, तब तक मैं फटाफट जाकर थोड़ी सी प्रिपरेशन कर लेता हूँ। इसको सारा सामान मैंने कलेक्ट कर लिया एकदम मस्त तरीके से। अभी छोटे से केव ढूंढते हैं, केव में मेरे को यहाँ पे केव है, वेट मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को। इसमें मुझे आयरन मिल सकता है भाई, इस जगह पर ना केव ही केव है भाई, ये कोई केव नहीं है, ये मुझे दूसरे रास्ते पर लेके चली जाएगी बस, यहाँ पे जाने का कोई मतलब नहीं बनता। वहाँ पे कोल था, कोल मैं ले सकता था, बट यहाँ पे एक रिवीन है, सो हम रिवीन में जाना ज़्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज खुले में आयरन मिल जाएगा और क्या ही चाहिए। ठीक है रिवीन में चलते हैं, वैसे तो रिवीन में ज़्यादा खतरा रहता है, बट यू नो वॉट, डरता कौन है यार, डर थोड़ी लगता है मेरे को, आई एम अ पीरो प्लेयर यू नो, आई एम द बेस्ट प्लेयर। लेट्स गो भाई, देखा खुले में आयरन, आयरन चाहिए दिलवा देंगे कोई बात नहीं। ये देखो फ्री का आयरन मिल रहा है भाई, लेट्स गो फटाफट से कलेक्ट करता हूँ इस आयरन को। भाई साहब हम ये कहाँ पर हैं, तुम्हें वो दिख रहा है, ये कितना डीप है भाई, नीचे आयरन भी है वहाँ पे, बट मैं उधर नहीं जाने वाला ब्रो, मेरा कोई चांस नहीं है भाई उधर तक जाने का। ऐसे नहीं मेरे को डर नहीं, आई मीन डर लग रहा है। अरे भाग यहाँ से, नहीं ऐसा नहीं है मुझे डर लग रहा है, ठीक है सही बता रहा हूँ, मुझे डर वर कुछ नहीं लग रहा बस। ओ भाई वेट, इस जगह से बाहर निकलो, यहाँ पे आयरन नहीं मिल सकता अपने को, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा डीप केव है, एंड इतनी डीप केव में ना आयरन मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। अगर तुम्हें कभी भी आयरन चाहिए तो ऐसे ऊपर ऊपर ज़्यादा मिलेगा, नीचे जाओगे तो वहाँ पे बाकी चीज़ें मिलेंगी, तो अगर तुम्हें सिर्फ आयरन चाहिए तो इतना नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। भाई ये मेरे को मार ही दे रहा है हर बार, आयरन यहाँ पे स्मेल्ट करने के लिए लगा दिया है, मुझे एडवांसमेंट भी मिल गई है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा आयरन से ना एक चेस्ट प्लेट बना लेते हैं, बिकॉज यहाँ पे स्केलेटन्स काफ़ी ज़्यादा घूम रहे हैं, साथ में ज़ॉम्बीज भी हैं, तो रिस्क नहीं ले सकते अपन। मैं आगे थोड़ा देख के आता हूँ,
मे बी अगर मुझे ओके वेट, यहाँ पे आयरन भी एंड जोम्बीज की भी आवाज़ आ रही है, बट वो नीचे थोड़ी आएंगे। हाँ वो नीचे नहीं आ सकते क्योंकि जगह ही नहीं है नीचे आने की। लेट्स गो, एक चेस्ट प्लेट बनाते हैं अपने लिए। सूट अप भाई साहब, एडवांसमेंट। मेरे पास कितना आयरन है? 5, यानी कि 6 आयरन है मेरे पे, तो मेरे को हेलमेट बनाना चाहिए मे बी ना 5 आयरन से, या फिर वेट एक ना स्वॉर्ड बना लेता हूँ मैं हेलमेट और इन सब चीज़ों से तो अच्छा है। भाई स्वॉर्ड कैसे बनाते भूल गया मैं। लेट्स गो, एक स्वॉर्ड बना लिया अपन ने, एक पिकैक्स बना लेते हैं, एक आयरन बचा है इसका क्या ही करेंगे, इसे छोड़ देते हैं ऐसे ही ना। फाइनली यहाँ से सारा का सारा आयरन निकाल लिया है मैंने, 13 आयरन है बाकी, नीचे है, नीचे जाना पड़ेगा। ओ भाई उधर भी है। गोल्ड भी है इधर, पर मैं इतना नीचे जाना नहीं चाह रहा। ओ वेट, वाओ मेरे पे ब्लॉक्स नहीं है ना। थोड़े से ब्लॉक्स निकाल लेते हैं बिकॉज अगर कोई भी आता है तो मेरे को बहुत पीटा जाएगा यहाँ पे। एंड व्हाई नॉट, गोल्ड मिल रहा है तो भाई निकाल लो, देखो जो मिल रहा है वो ले लो इस वक्त तो, क्योंकि मुझे बस इतना ही आयरन चाहिए कि मेरा आर्मर बन जाए, उससे ज़्यादा आयरन की मेरे को जरूरत है नहीं। उसके बाद मस्त जाएंगे ना डायमंड माइनिंग पे, क्या टेंशन है, लेकिन पहले आयरन चाहिए भाई। ये रहा आयरन, वाओ क्या ही अच्छी बात है, पानी आ गया, ऊपर से निकालना पड़ेगा रे। लेट्स गो, 25 आयरन अपने पे हो चुका है, 13 इसमें डालेंगे, 13 इस पे डालेंगे, 15 इसमें, 15 इसमें, लेट्स गो। थोड़ा सा वेट करते हैं, एंड में पूरा का पूरा आर्मर रेडी होने वाला है गाइस। तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड में देख सकते हो एकदम मस्त तरीके से आयरन लगा दिया स्मेल्ट होने के लिए, और यहाँ पे मेरे नीचे पानी है जो कि आवाज़ कर रहा है, लेकिन मैं यहाँ से पानी भी भर के निकलने वाला हूँ। वाटर बकेट भी बना लेंगे ना अपन, एक वाटर बकेट की जरूरत पड़ती रहती है भाई ज़िंदगी में। ये देखो 3 बन गए, बढ़िया। एक वाटर बकेट बना ली, 6 हो गए, 6 से क्या बना सकते हैं। फाइनली मैं पूरा का पूरा कवर हो चुका हूँ आयरन के अंदर, देख सकते हो एकदम चमकीला चमकीला मस्त लग रहा है मेरा प्यारा सा आर्मर, एंड अपनी सुबह भी हो चुकी है। सो अब अपने को क्या करना चाहिए, अब अपने को बनाना चाहिए अपने लिए अच्छा सा प्यारा सा हाउस, जो कि मैं बनाने वाला हूँ अपनी सबसे ज़्यादा फेवरेट जगह में। तो फटाफट से वहाँ के लिए सामान बांध लेते हैं, बिकॉज अब मैं यार कितने दिन किराए पे नहीं रह सकता भाई, ये विलेजर बहुत रुपये लूटता है मेरे से। तो लेट्स गो, यहाँ से अपना बेड उठाते हैं, एंड वेट वेट ये सब मैं नहीं लेने वाला, जो जो विलेजर का है वो मैं यहीं रख दूंगा। कंपास विलेजर का है, मेलन सीड मेरा है, बैलेंस शीट तो खैर मैं ही रख लेता हूँ, इतनी चीज़ें तो ले लेनी चाहिए। बाकी इसके पास 2 स्टिक और रखी थी बस। देख भाई तेरा कुछ नहीं लिया है मैंने, ठीक है ना, मेरे पे नाम बिल्कुल नहीं आना चाहिए, मैं चला, बाय बाय। काफ़ी प्यारा विलेज था स्टार्टिंग के लिए, लेकिन अभी अपन फटाफट से चलते हैं अपने लिए एकदम शानदार सा घर बनाने की तैयारी में। शुगर केन मेरे भाई, आ जा तेरे को भी निकाल। ओहो क्या लहर रहे हैं, शुगर केन निकाल लेते हैं, ठीक है। शुगर केन की अपने को ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज अपन अपने लिए फार्म भी बनाने वाले। हाँ
तो ये मेरी जगह है जहाँ पे मैं अपने लिए मस्त सा प्यारा सा घर बनाने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है। देखो ये है माइनक्राफ्ट के प्लेन्स, जो बायोम होते हैं ना माइनक्राफ्ट प्लेन्स, वो है ये। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे एक घर बनाऊँ, इधर इधर एक घर बनाऊँ अच्छा सा प्यारा सा। एंड देखो अपना ना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्लेटफॉर्म बन सकता है। उधर वो देखो वहाँ पे अपना प्लेजर टावर है, लेकिन अपन यहाँ पे काफ़ी बड़ी बड़ी चीज़ें बना सकते हैं। पीछे का जंगल जितना भी है इसे साफ करके यहाँ पे चीज़ें बना सकते हैं। तो मैं घर बनाने की इधर सोच रहा हूँ, इधर अपन एकदम मस्त अपना प्यारा सा घर बनाते हैं। उधर भी बना सकते हैं, वहाँ पे देखो वो क्राफ्टिंग टेबल मैंने रखा था, बहुत पहले की बात है। ये थोड़ा सा वुड इकट्ठा करने तो मेरे को, ताकि मैं एक मार्क लगा सकूँ कि मेरे को भी कहाँ बनाना है अपना घर। पहले मैंने डिसाइड कर लिया मैं अपना घर यहाँ पे बनाने वाला हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी जगह है, ठीक है, केव से भी ज़्यादा दूर, केव से थोड़ा दूर है एंड अपने विलेज से थोड़ा सा पास है और बेस्ट है। एंड तुम्हें एक मस्त ट्रिक दिखाता हूँ, देखो अगर तुम्हें कभी भी ग्रास हटानी हो ना, ये बेस्ट वे है ग्रास हटाने का। पानी डालो, सिंपली सारी की सारी ग्रास हट जाएगी। ऐसा अगर तुम्हारे साथ कभी हो तो इस ग्रास ब्लॉक के ऊपर पानी डाल दो, ठीक है, तो वो हट जाता है। बाकी वो डिपेंड करता है, अगर तुम किसी वाटर सोर्स के बगल में डालोगे ना तो वो पानी वाटर सोर्स की तरफ ही बहेगा, तो इससे थोड़ा दूर डाला करो, समझ रहे हो ये, इसलिए वो पानी उधर बहता है क्योंकि तुम किसी वाटर सोर्स के पास में पानी डालते हो। अब ऐसे देखो वाटर सोर्स से दूर है तो एकदम अच्छे से गया, वाटर सोर्स से दूर है। अब यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज इस साइड नीचे की साइड है, समझ रहे हो, अगर मैं इधर यूज़ करता हूँ इसको तो उधर नीचे है, इसलिए ये थोड़ा माइनक्राफ्ट का कॉन्सेप्ट है जो मुझे पता है, इसलिए मैंने तुम लोगों के साथ शेयर करे। अगर बिल्कुल प्लेन एरिया होता है तो पानी एकदम चारों तरफ बहता है, लेकिन अगर कहीं से भी ऊपर नीचे है तो अगर मैं यहाँ पे डालूँगा ना तो पानी उस साइड बहेगा क्योंकि वो सबसे पास जगह है, इसलिए, समझे। देखा उस साइड बहाना क्योंकि वो सबसे पास है भाई इसके यहाँ के। लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। सो फाइनली अपने यहाँ पे एरिया बन के रेडी हो चुका है, जैसे कि तुम देख सकते हो ये आगे गेट की जगह, इसलिए मैंने दो छोड़ दिए, दो ब्लॉक लगा दिए डट वाले ना, ताकि पता रहे। एंड साइड का एरिया बन चुका है, पीछे का भी बना देते हैं, लेट्स गो। तो मैं इन्हें वो करने वाला हूँ 1, 2 एंड 3 लाइक दिस, पूरा नहीं करने वाला बिकॉज वो थोड़ा अजीब सा लगता है। मैं एक अच्छा डिज़ाइन देने की कोशिश कर रहा हूँ इन पे। चलो ठीक है, तो अपने पिलर्स तो रेडी हो चुके हैं, अब टाइम है यहाँ पे इसका वो करने का, प्लेटफॉर्म रेडी करने का। तो साइड से हम इसे फिल करने वाले हैं ओक से। घर कुछ ऐसा दिख रहा है, जैसे कि तुम देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है आगे से। तो अब तुम सोच रहे हो कि भाई डार्क ओक के वुड, मतलब इसके गेट इतना अमीरी, तो भाई ये मेरे को उससे मिला था प्लेजर टावर से, ठीक है, कुछ वुड मिली थी वो मैंने निकाल लिया, पीछे का रहने देते हैं, इसी के बाद में चेक करेंगे। तो फर्स्ट लुक, आगे का लुक कुछ ऐसा आ रहा है। अभी मैंने थोड़ी सी सैंड यहाँ पे ना, ओके सैंड आ चुकी है अपनी, एंड मैं सोच रहा हूँ सैंड को थोड़ा सा कलर देते हैं, बिकॉज इसका कौन सा कलर है, लाइट ग्रे ना, आई थिंक लाइट ग्रे अच्छा रहेगा। एंड लाइट ग्रे में ना वो करते हैं पहले तो इन्हें 16 ये बनाते हैं, एंड अब इन्हें लाइट ग्रे करते हैं सबको। तो भाई कितना प्यारा लगेगा सोचो, और अगर लाइट ग्रे में ये कौन सा है, लाइट ग्रे डाई, अच्छा सेम है क्या यार, सोचो ब्लू मिला है, अगर ब्लू लाइट ग्रे में मिलाया जाए तो क्या होगा, कुछ होगा ना, ब्लू और इससे कुछ नहीं होगा, ब्लू और येलो में भी, ब्लू येलो ग्रे नो, ठीक है, कोई ना कोई ना कोई ना, अपना काम तो बन गया ना।
अपने को तो बस काम निकालना है। 8 और बना लेते हैं, ठीक है। मे बी 16, हाँ 16 तो काफी रहेंगे। लेट्स गो, 16 कम रहेंगे यार। एंड ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है भाई, अगर मैं बिना इसके लगाऊं तो। देखो वो लग रहा है नॉर्मल, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सही बता रहा हूँ मैं। और मैंने अपने थोड़े से कांस तो वेस्ट कर दिए, बट यू नो लुक आना चाहिए। चलो 8 इधर, 18 में काम बन जाएगा अपना, 18 मोर देन इनफ है। वेट ना, ऊपर एक काम करता हूँ, ऊपर वो लगाता हूँ। ऊपर अगर ब्लू कलर के ग्लासेस लगाएं अपन तो कैसा लगेगा? वैसे तो मेरे को पता है ब्लू काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है, बट फिर भी यू नो ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। वैसे ब्लू कलर दिख नहीं रहा इसमें ना, तो सही लग रहा है मेरे हिसाब से। पूरा का पूरा घर बन के एकदम शानदार से रेडी हो चुका है। मैं जितने की जितनी डिटेलिंग कर सकता था उसमें, नॉर्मली जितना कर सकता था, जितना सामान था मेरे पे उतना सब कुछ मैंने कर दिया है। बाकी फटाफट से आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा लग रहा है अपना नया हाउस। देख सकते हो क्या ही प्यारा लग रहा है भाई। यहाँ पे फूल लगे हुए हैं, सामने की तरफ कुछ टॉर्चेस लगी हुई जो कि काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। एंड ये जो वुड देख सकते हो रेड वाली, ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही है, क्योंकि नीचे की जो टेक्सचर है ना ये वाइट है या फिर ब्राउन है, वो ब्राउन बहुत लाइट ब्राउन है, समझ रहे हो? और वो रेड काफ़ी प्यारा लग रहा है, तो ये थोड़ा मैंने अच्छा दिमाग लगाया ऊपर रेड लगा के। ठीक है, अंदर जब अपन आते हैं तो यहाँ पे भी बढ़िया माल चाल है। ठीक है, यहाँ पे टॉर्चेस लगा दी मैंने, मेरे पास लालटेन के लिए आयरन नहीं है, गरीब हूँ यार, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखो स्मोकर फर्नेस रखा हुआ है, इधर क्राफ्टिंग टेबल लगा दी है मैंने। एक सेकंड, क्राफ्टिंग टेबल में बुक खुली हुई ना, हाँ। इधर बेड मैंने रख दिया है, बेड मैंने सीधा रखने की ट्राई कर रहा था मैं स्टार्टिंग में कि सीधा रख देता हूँ, फिर मैंने सोचा कि यार अगर आगे पीछे कोई मॉन्स्टर हुआ ना घर के तो फिर अपन सो नहीं पाएंगे, तो थोड़ा एक ब्लॉक छोड़ के रखा है ताकि बेड सही काम करे। इधर देखो, इधर सारे सारा अपना चेस्ट में सामान है, एक आयरन बचा है सिर्फ मेरे पे, एक आयरन, तो ये वाली थोड़ी दिक्कत है। बाकी कमेंट करके बताना घर कैसा लग रहा है। आई होप सेकेंड एपिसोड के हिसाब से तो यार काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और कितना डिटेलिंग चाहिए तुमको? ठीक है, मैं नहीं चाहता कि मैं अपना सारा टाइम घर बनाने में लगा दूँ एंड बाकी चीज़ें ना करूँ, जैसे कि अपने विलेजर्स का ध्यान रखना एंड डायमंड फार्मर। डायमंड भी तो ज़रूरी है ना दोस्तों। मैं चाहता तो विलेज में भी रह सकता था, बट विलेज में अगर तुम रहते हो, किसी भी विलेज में अगर तुम स्टे करते हो, तो उस विलेज के आसपास मॉन्स्टर स्पॉन होते हैं, एंड अगर वो मॉन्स्टर स्पॉन होते हैं तो तुम्हारे विलेजर्स को परेशान करेंगे, तो हो न सके एक दो को तो बना भी दें वो चुंबी, जो कि ऑफकोर्स सी बात है बन ही जाते हैं, तुम कितना भी ध्यान रख लो। एंड मैं नहीं चाहता कि उस विलेज में से एक भी विलेजर कम हो, या फिर लास्ट में सिर्फ 3-4 विलेजर ही बचे, ना भाई ना, वो जैसा है उसे वैसे रहने दो उस विलेज को, उसमें से अपन विलेजर लेके आएंगे इधर एंड मस्त अपना काम करेंगे। और अभी तो भाई बहुत कुछ बनाना है, यहाँ पर रिवर है तो इस रिवर का मैं सोच रहा हूँ बहुत अच्छा काम ले सकते हैं अपन, इतना अच्छा कि पूछो मत कितना अच्छा, ये तो मस्त बनाएंगे यहाँ पे चीज़ें। पीछे पूरा ओशन है, वो बड़ा सा काफ़ी ओशन जैसी जगह है वहाँ पे ना, तो उसका भी पूरा यूज़ करेंगे अपन। यहाँ पे फार्म्स भी बनाने भाई, काफ़ी ज़्यादा प्यारी जगह हो जाएगी, ये पूरी जगह घेर दूंगा मैं ऐसे सर्कल में दूर तक, फार्म्स एंड मेरे चीज़ें बहुत सारे बिल्ड बनाने वाला हूँ मैं बड़े बड़े सर्वाइवल सीरीज में। तो लेट्स गो, आज वाली वीडियो को इतने रखते हैं। आज हमने एक आयरन आर्मर निकाला है, अपने लिए टूल्स निकाल लिए, एक घर बना लिया। नेक्स्ट वीडियो में मे बी मैं एक फार्म बनाऊं, ठीक है, तो देखते हैं क्या करते हैं। बाकी मैं मिला आप लोगों से अगले वीडियो में, लाइक कर देना अगर वीडियो अच्छी लगी तो। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।